प्रणाम, मैं अजय मिश्रा रिद्धि सिद्धि प्रवाह से। हमारे तमाम दर्शक श्रोता जितनी प्रशंसा कर रहे हैं, यद्यपि मैं अपने को उस योग्य नहीं समझता, तथापि मैं आपका हृदय से, सबका नाम तो नहीं ले सकता, आभार व्यक्त करता हूँ। लीजिए, आज मैं एक पुरानी कहावत की ओर चला हूँ। मैं छोटा था तब माता जी का स्वर्गवास हो गया। हमारा पालन पोषण दादी ने किया। परिणाम यह हुआ कि मेरे अनेक उदाहरणों में दादी का उदाहरण सामने आता है। जो सीखा वो उनसे सीखा। यद्यपि मैं कानपुर जिले का रहने वाला हूं, कानपुर में हूं, लेकिन मूलतः उन्नाव जिले का हूं, जो उत्तर प्रदेश की साहित्यिक, राजनैतिक, धार्मिक के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम से आबद्ध रही है। रत्न प्रसविनी कही गई है। हमारे क्षेत्र के आसपास की जो कहावतें हैं वो हमारी दादी प्रायः अपने प्रयोग में लिया करती थी। मैंने कुछ दिन पहले एक कहावत ली थी, जब बूढ़ी भाई बिलारी तब मूस बजावे तारी। आपने अपनी प्रतिक्रिया दी, अच्छा लगा। आज दूसरी कहावत आपके सामने, जियत न दीन्हन कौरा और मरे उठाइन चौरा। जरा अर्थ समझ लें, जियत न दीन्हन जब तक जिंदा रहे तब तक कौर नहीं दिया। कौर का मतलब ठीक से भोजन नहीं कराया, सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा, मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की। जो आदेश मिला उसकी पूर्ति नहीं की और जो कर्तव्य था उसका निर्वाह नहीं किया, पालन नहीं किया। अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का, अपने शुभचिंतकों का। जियत न दीन्हन कौरा, जब तक वो व्यक्ति जीतता रहा उसका सम्मान नहीं हुआ। लेकिन मरे उठायन चौरा, चौरा शब्द जो है चबूतरे से बना है। जब मृत्यु हो गई तब चबूतरा बनवा दिया उनके नाम का, समाधि स्थल बनवा दिया, कब्र बनवा दी, स्मारक बनवा दिया, उनकी फोटो पर एक बढ़िया सा गुलाब का माला टांग दिया। शोक संवेदनाएं कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि सारा दुख इनके हृदय में समाया हुआ है। वही पिता, वही माता, वही दादी, वही बाबा, वही घर के बड़े बुजुर्ग लोग जब तक जीवित रहे ठीक से बात नहीं की, 10 मिनट का उनको समय नहीं दिया, और जब मर गए तब ऐसा आंसू बहा रहे हैं। घर में फोटो है, उनकी तिथि पर तमाम आयोजन कर रहे हैं, तमाम नेताओं को बुला रहे हैं। ये खाली घर के लोगों के लिए नहीं, ये समाज की रीति है। निराला जी कितने दुखी रहे, सरोज तक का निधन हो जाता है, आर्थिक तंगी का शिकार रहे, मरने के बाद 7 लाख रुपए की प्रतिमा लगवा दी, उससे क्या होता है। मुझे याद है चंद्रशेखर आजाद की मां अपनी पेंशन के लिए परेशान रही। ये भारत की परंपरा है, देश की परंपरा है, विदेशों की भी होगी ऐसा मानते हम वृद्ध लोगों को सम्मान नहीं देते। जियत न दीन्हन कौरा, बेटा ये कह देता है हम नौकरी करते हैं, बहू नौकरी करती है, पिताजी अपने आप खाना ले लेते हैं या कोई परस के रख देता है, अच्छा लगा नहीं लगा उनकी रुचि का ख्याल नहीं, बीमार हुए तो डॉक्टर नर्स लगा दी गई। जियत न दीन्हन कौरा, जिंदा रहने पर कौर नहीं दिया। वास्तविकता तो ये है, हम जब मरने के बाद कहते हैं ये पिताजी को बहुत पसंद था, मैं उनकी इच्छा की पूर्ति करने जा रहा हूं। साथियों ध्यान रखना, इच्छा केवल शरीर तक होती है, मृत्यु के बाद इच्छा की पूर्ति नहीं होती। फिर उनके सिद्धांत होते हैं, उनकी भावनाएं होती हैं, उनके द्वारा बताया गया संस्कार होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, लोग कहते ना पिताजी नहीं रहे, आज तिथि है उनकी और उनको गोभी बहुत पसंद थी, भिंडी बहुत पसंद थी, खीर बहुत पसंद थी,
उड़द की दाल की कचौड़ियाँ पसंद थीं या जो कुछ भी जिसके अनुसार पनीर पसंद था। अरे आप जो पनीर खिला रहे हैं किसी को वो पिताजी तक नहीं पहुँच रहा है। जियत नदीन कौरा, अरे उनको जिंदा रहते उनकी आत्मतोष मिल जाता उनको अगर उनसे प्रेम से बात कर देते। किस समय ये श्वास 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 पर हरि भजो वृथा श्वास मत खोए, अरे ना जानो या श्वास को आवन होए न होए। जब तक आदमी जिंदा है उसका सम्मान कीजिए कहने का आशय, मरने के बाद कौन देखने आ रहा है क्या हुआ। एक बड़ा सुंदर प्रसंग याद आ गया मुझे अचानक, भगवान राम विश्वामित्र जी की अनुमति पाकर जनक की प्रतिज्ञा धनुष को तोड़ने के लिए उठते हैं। उसके पहले सब हार गए, भूप साहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरई नटारा। राम उठते हैं वहां पहुंचते हैं जहां पर धनुष रखा हुआ है, चारों तरफ देखते हैं, राम बिलोके लोग सब अचित्र लिखे से देखी। राम ने बिलोका लोगों को चित्र लिखे से देखी, सारे लोगों सन्नाटा था। अंतिम आशा है चितये चित्र लिखे से, जिस प्रकार चित्र का लिखा हुआ व्यक्ति या चित्र की बनी हुई वस्तु हिलती डुलती नहीं है, सब जड़वत थे स्तंभ थे, सीता की ओर निगाह गई। राम बिलोके लोग सब अचित्र लिखे से देखी, अजानी सी कृपायतन, सीता जी को कृपायतन भगवान राम ने जाना क्या, जानी विकल विशेक विशेष व्याकुल है। बस राम सोचते हैं अगर यही हाल रहा तो एक आध पल के बाद सीता जीवित नहीं बचेगी। राम ने स्वयं कहा, काबर सा जब कृषि सुखाने, जब खेती सूख जाए उसके बाद बारिश होने से क्या फायदा। पिताजी मर गए, बाबा मर गए, माँ चली गई, अब उसके नाम पर करोड़ों लाखों बहादुर कौन देखने आ रहा है। का बरसा जब कृषि सुखाने और समय चूक की पुण्य का पछताने, अरे समय के पश्चाताप करने के बाद समय निकल जाने के बाद पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होता। फिर अस जिय जानी जानकी देखी, ऐसा जिये में जान करके जानकी को देखा, फिर क्या था। राम ने कहा देर नहीं करेंगे, यदि सीता जी के प्राण चले गए तो फिर कितने धनुष टूट जाएं, कितनी प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाएं, लेकिन उनकी उनके मन को शांति उनके शरीर को शांति, आपकी भाषा में मान ले आत्मा की शांति। आत्मा की शांति नहीं होती साथियों, लोग तमाम बका करते मेरे हिसाब से। हमारे यहाँ तो लिखा है नैनम छिंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषेति मारुतः। जब आत्मा में कोई असर ही नहीं होता तब आज पिताजी की आत्मा खुश होगी, आज पिताजी की आत्मा तृप्त हो गई होगी, आज पिताजी ने ये खा मैंने उनको शरद पिला दिया उनको मिल गया होगा, एक केवल मन का भाव है। हाँ, इसके माध्यम से आप एक पशु को एक पक्षी को एक प्राणी को उसको अन्न दान कर रहे हैं, भोजन दान कर रहे हैं। निश्चित रूप से जेन केन विधि दीने दान करे कल्याण कल्याण होगा। एक व्यक्ति की आत्मा प्रसन्न होगी जो है जिंदा है, एक व्यक्ति का मन तृप्त होगा, उसके हृदय से निकली हुई शुभकामनाएं आपको फलीभूत करेंगी। तब राम ने क्या किया, फिर नहीं ध्यान दिया, और गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना, उसी समय मन मन प्रणाम करते, अति लाघव उठाए धनु लीना, और धनुष उठा लिया। फिर क्या था, ते क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, बस तोड़ दिया। ये है इच्छा की पूर्ति। ध्यान रखिएगा, इच्छाएं जीवन के साथ होती हैं, इस शरीर के साथ होती हैं, और अगर आत्मा के साथ उसको जुड़ा चला जाता है तब तो फिर वो केवल उनके सिद्धांत हैं। उनके सिद्धांतों पर चलिए, उनकी भावनाओं की कद्र कीजिए। उनके घर में 10 जगह फोटो लगा देने से नहीं होगा, एक मन में श्रद्धा होनी चाहिए। ये है, आवश्यक नहीं है कि आप तमाम सारे उनके नाम पर कवि सम्मेलन करवा रहे हैं या अन्य कोई कार्यक्रम करवा रहे हैं, कहीं मंदिर बनवा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने का है। जब तक आदमी जीवित है उसको प्रसन्न रखिए, वो संतुष्ट होकर उसका अंतिम श्वास निकले कि हमारे बच्चे हमारा परिवार हमारे सब ज्यों के त्यों अच्छे हैं, सब संतुष्ट हैं, हमारे दिए गए संस्कारों पर ढल रहे हैं चल रहे हैं। लेकिन समाज की एक रीति है, और वो रीति क्या है, है ना। अरे भाई, जब भगवान राम को पता लगा दशरथ जी मर गए, भरत जी ने पता लगा जाकर, भैया अब लौट चलो, उनकी अंतिम इच्छा थी पूरी कर दो, भगवान ने कहा अरे क्या बात कर रहे हो, इच्छाएं तो शरीर के साथ चली गई, पिताजी ने अपने धर्म का पालन किया था,
रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उन्होंने वचन का पालन किया था, वाणी का पालन किया था, आज मैं वापस चला जाऊं असंभव। धर्म हेतु बन सहयोग कलेसु शिव दधीचि हरिचंद नरेशु। अरे इन सबने, हमारे पूर्वजों ने तमाम धर्म के लिए, तो उस समय पता है बसीर जी ने कहा तो क्या है पिताजी, तुम भी धर्म का पालन करो। और भगवान राम का वो कथन है, आज तमाम चारों तरफ मीडिया में, सोशल में, सब जगह बात फैली, ये धर्म वो धर्म, कुछ नहीं, भगवान राम के शब्दों में धर्म एक है। और वो कौन सा है? धर्म न दूसर, राम कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना, अवागम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। पिताजी ने सच्चाई का साथ दिया, मैं उनके सिद्धांतों पर चलूंगा, उनकी दी गई आज्ञा का पालन करूंगा। लौटाते पिताजी ने कहा था उनकी इच्छा पूरी, कहाँ इच्छा पूरी हुई? अरे उनकी श्वास जा चुकी है, शरीरांत हो गया है, अब उनकी इच्छा कैसे पूरी होगी? लोग कह देते हमारे पिताजी की इच्छा थी मकान बन जाए, अब मैं मकान बनवा के उनकी इच्छा, अरे ये उनकी इच्छा नहीं पूरी होगी, ये आपकी इच्छा पूरी होगी, ध्यान रखिएगा। तो पिताजी की इच्छा तब पूरी होती, नाना की इच्छा, नानी की इच्छा, बाबा की इच्छा, दादी की इच्छा, बड़े बड़े लोग जो हमसे बड़े हैं, अग्रजों की इच्छा, उनके सामने उनको सुख प्रदान करके, उनके तमाम सिद्धांतों को अपना करके, उनकी कही हुई बात की आज्ञा पालन करके ही आप पूर्ण कर सकते हैं। अन्यथा फिर वो कहावत बिल्कुल सही है, जियत न दीन्हन कौरा अमरे उठायन चौरा, ये परंपरा चलती है। लोग तमाम सारे पितृपक्ष में तमाम दान पुण्य करते हैं, दान पुण्य अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप ये कहें कि उनकी इच्छा को प्राप्ति हुई है, असंभव। श्रद्धा श्राद्ध ये सब एक परिवार के शब्द हैं, इसलिए जब तक व्यक्ति है तब तक उसका सम्मान करो। हमारे कहा गया मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये सब देवता के समान हैं। और देवता के लिए गोस्वामी जी का कहना है, मातु पिता प्रभु गुरु के बानी, बिना ही विचार करी शुभ जानी। आजकल के तो विद्यार्थी नवयुवक कह दिया करते हैं, अरे पिताजी आप चुप रहिए, आपको क्या पता नई चीज़ें। अरे जो अनुभव उनके पास है शायद वो आपके पास नहीं है, और ये क्रम चलता रहेगा। आप उनको कहेंगे, आपके बच्चे उनको कहते रहेंगे, तो बुजुर्गों का सम्मान, समाज का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर भी आप देखें, चाहे वो राम कथा हो, जामवंत जी को सबसे बड़ा सम्मान मिला, जामवंत के वचन सुहाए, वहाँ भी सुहा जाते हैं उनको, क्योंकि बुजुर्ग हैं, क्योंकि बड़े हैं। जो बड़ा कहे उसकी बात को मानिए, सिरोधार्य कीजिए। ऐसा नहीं कि मातृ दिवस और पितृ दिवस के अवसर पर आप बढ़िया सोशल मीडिया पर एक माँ की फ़ोटो डालकर घर में माँ चिल्ला रही, बेटा खाना खा के जाना, बेटा बाहर निकल गया, काहे की श्रद्धा, काहे का सम्मान। और फिर अगर उन्हें कल को आंखें बंद हो जाएंगी, जीवन नष्ट हो जाएगा, तब हम केवल 100 लोगों की भीड़ इकट्ठा करके जो आयोजन करेंगे, वो आयोजन उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं, संवेदना हमारी हो सकती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यही कहूँगा कि आज से हम ये तय करें, जो हमसे बड़े हैं उनका सम्मान करें, उनको ध्यान रखें। ध्यान रखिएगा, माता पिता घर वाले आपके दो रोटियों पर प्रसन्न हो सकते हैं, सैकड़ों रुपए के नोटों से आप उनको खुश नहीं कर सकते। आपकी भावनाएं, जो आप जिस समय आप अपनी माँ को गले लगा लेंगे, अपने पिता को गले लगा लेंगे, और आजकल के नौयुवकों से मैं कहता हूँ एक शब्द बहुत रटते हैं आजकल, वो आई लव यू। जरा एक बार अपने पिताजी से अपनी माता के गले लगकर कहिए तो, बुजुर्ग के गले लगकर कहिए तो, मैं आई लव यू। ध्यान रखिएगा, जो उनकी आँखों से दो मोती गिरेंगे, विश्व का कोई भी सुनार हो, हीरे का पारखी हो, उसकी दाम नहीं लगा सकता है। और वो उनकी शुभकामनाएं आपको मनोवांछित सफलता की ओर ले जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आराम देने का मौका दीजिए, विश्राम करता हूँ आज अपनी वाणी को। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।